नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, सनातन धर्मर 18 गोटी पुराण मध्य गरुड़ पुराण होतम। गरुड़ पुराण में जन्मरु मृत्यु पर्यंत समस्त रहस्य संपर्क उन्मोचन कर गरुड़ पुराण में नीति धर्म सदाचार भली अनेक कथा वर्णित हो। गरुड़ पुराण में जीवन संपर्कित किसी कटु कथा वर्णित करा सत्य अटे। ताले आसंतु जानिबा गरुड़ पुराण में वर्णित सात गोटी कटु कथा संपर्क। दर्शक बंधु, आमर गरुड़ पुराण में कहा जीवन रे किसी कटु कथा संपर्क आलोचना करिबा, जहाँ आपण जीवन को आहुरी सुंदर एवं अनेक पापरु मुक्ति करिबारे साहाज्य प्रदान करिबो। प्रथम कहुची संयमता एवं सतर्कता। गरुड़ पुराण अनुसार जीवन रे सर्वदा संयम एवं सतर्कता ए दुईक मध्य सामंजस्य रहिबार आवश्यकता रही। जेतेबेले आमे किछि भल कर्म करू बा करिबाकु जाऊ, सेतेबेले आम जीवन रे एपरी किछि व्यक्ति आसंती जे कि आम जीवन रो एक अंश होई जांती। पुनश्च एहिपरि किछि व्यक्ति आसंती जे कि अन्यर उन्नति देखि मनरे हिंसा करिथांती, अन्यर क्षति करिबाकु चेष्टा करंती। एहिपरि व्यक्तिंक ठारु संयमता सहित सतर्कता अवलम्बन करि दूरेइ रहिबा उचित। शत्रु जेपरि ता सह सेपरि नीति मध्य पालन करिबा उचित। दुइरे ज्ञानर निरंतर अभ्यास। कथारे असि जेपरि एक दौड़ी बारंबार पथर रे घसी होई चिन्ह सृष्टि करे, ठीक सेहिपरि भावरे निरंतर भावरे अभ्यास करी करी गछर चेर परि हुओ मजबूत। अर्थात गोटे दौड़ी को बारंबार कुओ मध्यरे पकेबा द्वारा दौड़ीर चिन्ह मध्य पथर रे रही जाए। ठीक सेहिपरि मनुष्य द्वारा करा जायतिबा अभ्यास अनेक दिन पर्यंत रही थाए। तेणु मन रखंतु, कार्य केते भी कठिन होइथाउ ना काहिंकि, असंभव होइथाउ ना काहिंकि, आमर निरंतर अभ्यास से कर्म को सरल करिदिए। आपण जिते ज्ञानी होइथांतु ना काहिंकि, निरंतर भावरे अभ्यास करिबा करि चालंतु, कारण अभ्यास बिना से ज्ञान को भूली जिबार शंका रहिथाए। तेणु गरुड़ पुराण रे निरंतर अभ्यास करिबा कथा संपर्क रे कुहा जायछि, जहा द्वारा ज्ञान सर्वदा आपणक सहित जोड़ी होकर रहिबो। नंबर तीन रे धर्म एवं धार्मिक स्थल सम्मान करिबा। गरुड़ पुराण रे वर्णित जदि कोनोसी व्यक्ति धर्म तथा धार्मिक स्थल जेपरिकी मंदिर गिर्जा ए सबकिछिर अपमान करे अथवा खराब काम करे, सेभली व्यक्ति नरक भोग करिबा सुनिश्चित अटे। एतद् व्यतीत अन्यर अपमान करुथिबा, बेईमानी करुथिबा, अपशब्दर प्रयोग करुथिबा व्यक्ति केवल लोकमानक प्रति नुह, वेद पुराण उपनिषेद शास्त्र उपरे प्रश्न उठाउथिबा प्रत्येक व्यक्ति नरकर भागीदार अटे। तेणु एपरि कर्मरु निजकु सर्वदा दूरेइ रखिबा उचित। नंबर चारि रे परिष्कार एवं सुवासित वस्त्र परिधान करिबा उचित। गरुड़ पुराण अनुसारे जो व्यक्ति अपरिष्कार वस्त्र परिधान करे ता उपरे महालक्ष्मीकर कोप दृष्टि पड़े, फलरे घरे दारिद्रता लागिकि रहे। जदि आपण धन धान्य रे पूर्ण होई अपरिष्कार वस्त्र परिधान करुछंती, तेबे एहार प्रभाव रे धीरे धीरे आपणकर धन क्षय हेबारे लागिबो। तेणु सर्वदा परिष्कार एवं सुवासित वस्त्र परिधान करंतु, जहा द्वारा मां लक्ष्मीकर कृपा सब बेले आपणक उपरे रहिबो। संतुलित भोजन। खाद्य प्रत्येकक जीवनर एक मौलिक आवश्यकता मध्यरु गोटी अटे, जहाँ मनुष्य जीवनर आधार बोली ग्रहण करा जाए। आमे ग्रहण करुथिबा विभिन्न प्रकार खाद्य संतुलित कि नुहे सेतिप्रति आमे दृष्टि देबा आवश्यक। तेबे गरुड़ पुराण अनुसारे मनुष्य को आवश्यकता अनुसारे ही सठिक समय सठिक खाद्य खाइबा उचित, कारण असंतुलित खाद्य शरीर रे विभिन्न रोग सृष्टि करे। तेणु जानि रखंतु, संतुलित खाद्य भल और सुस्थ और लंबा जीवन रो आधार अटे। नंबर छः रे तुलसीर महत्व।
गरुड़ पुराण रे तुलसी रो धार्मिक रूप को व्याख्या करिबा सहित एहार औषधीय गुण संपर्क रे वर्णना करा जाय छि। एतद् व्यतीत तुलसी पत्र को आपण भगवान नारायण को चरण रे समर्पित करी नित्य सेवन करंती तबे व्यक्तिर समस्त शारीरिक ओ मानसिक कष्ट दूर होइथाय। आपण माने भगवान विष्णु को पूजा करिबा सहित तुलसी गछ को मध्य पूजा करि परिबे जहाँ आपणक अत्यधिक फलदायक अटे। गृह मध्य तुलसी वृक्ष को यथास्थान स्थापन कर नित्य जलदान्य करिबा द्वारा अवरुद्ध रास्ता खोली जाए। नंबर 7 रे एकादशी व्रत। एकादशी व्रतर महिमा संपर्क रे हिंदू धर्मर समस्त पुराण रे वर्णित होबा सहित गरुड़ पुराण रे मध्य वर्णना करा जायछि। गरुड़ पुराण संपर्क रे व्याख्या करिबाकु जाय एहि व्रत को हरि अर्थात विष्णु को सहित जोड़ा जाए। यह पाठ करिबा द्वारा आपणकर पूर्व जन्मर कर्मफलरु आपणकु मुक्ति मिले। एहि व्रत पालन करिबा द्वारा चंद्रर कुप्रभावरु रक्षा मिलिथाए, जीवनर कठोर समस्यारु मुक्ति मध्य मिले। तो दर्शक बंधु एहा सहित गरुड़ पुराण रे वर्णित सात गोटी कठु कथा समाप्त होउछि। आशा करुछि एहा आपण मानक पई निश्चित भाबरे उपयोगी सब्यस्त हेबो। धन्यवाद। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।